बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात, प्रत्याशियों के वादे, आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं, सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात। बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद, क्या है अब वहां के जनता की बात। किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता, प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात। कितने, कहां से, किस वार्ड से प्रत्याशी हैं मैदान में, क्या है उनका चुनाव चिन्ह, किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम, कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन, यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 32 में। यह वार्ड सुभाष चंद्र बोस वार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे दमोह में बजरिया वार्ड नंबर 2 भी कहा जाता है। इस वार्ड में सामान्य महिला सीट है और मैं आपको बता दूं कि 2212 मतदाता हैं इस वार्ड में, जो कि इन प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। सबसे बड़ी बात इस वार्ड की यह है कि एक भी प्रत्याशी इस समय एसीएन न्यूज़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हमारे पास आए हुए हैं। हमने जब इन प्रतिनिधियों से पूछा कि प्रत्याशी कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रचार में व्यस्त हैं। अब देखना है कि इनका प्रचार कितना व्यापक होता है कि एसीएन न्यूज़ को वो टाइम नहीं दे पाए। लेकिन आज हम प्रतिनिधियों से बात करते हैं और प्रतिनिधि सभी उन प्रत्याशियों के पति हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए हैं आफरीन सद्दाम खान, कांग्रेस से खड़ी हुई हैं अलीमा रफीक खान, टीम सिद्धार्थ मरिया से महजबीन पप्पू शाविर, निर्दलीय हैं समीना इकबाल और निर्दलीय हैं रिजवाना गनी। अब इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं, इस वार्ड में क्या विकास हुआ है, आइए हम जानते हैं प्रतिनिधियों से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि पूर्व पार्षद भी हैं और इस समय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, समीना इकबाल। इकबाल जी, समीना कहाँ हैं इस समय जो वार्ड की प्रत्याशी हैं? समीना जी इस टाइम पे वार्ड में भ्रमण के दौरान हैं और जैसा कि लगभग सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं गृहिणी हैं और ये चुनाव ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 50% आरक्षण किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पतियों के सम्मान में महिलाएं हैं मैदान में इस प्रकार की ये चुनाव। हम ये माने कि आप जो आज बात कहेंगे एसीएन न्यूज़ के सामने, वो प्रत्याशी की ही बात होगी, जो वादे आप करेंगे वो आपका प्रत्याशी का ही वादे होंगे और ये रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं जो बातें करूँगा वो प्रत्याशी की ही बातें हैं। और चलिए सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ के पार्षद रहे हैं, 5 साल आपने यहाँ पे काम किया है, क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं इस वार्ड में, आपने क्या क्या विकास के काम किए? देखिए, 5 साल पहले जब मैं पार्षद बना था, उस समय वार्ड के अंदर बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ जल की समस्या थी, पानी की समस्या। उस पानी की समस्या को हमने 80% तक कम्प्लीट किया है। एक क्षेत्र में पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, पहाड़ी के किनारे पर, उसको भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ी के किनारे बस्ती होने के कारण बहुत सारे मकान तो बने हुए थे लेकिन ये निजूल विभाग में दर्ज नहीं थे। तो मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत यहाँ 150 लोगों को पट्टे वितरित किए गए, जिससे उनको मालिकाना हक मिला। वहीं बाढ़ के अंदर एक सामुदायिक भवन लगभग 32 लाख रुपये की लागत से बना हुआ है 5,000 स्क्वायर फुट में, जो कि क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह और भी शुभ अवसरों पर काम में आता है, जो कि टोटल तरीके से अभी निर्माणाधीन है, काम में आएगा। थर्ड ये है कि रेगुलर निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। आपने इतना विकास किया है, आप बता रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है, उनका अपना संगठन है और उनका चलने का तरीका अलग है। अब वो क्या सोचते हैं, उनका जो मापदंड है, शायद उसमें मैं फिट नहीं बैठा हूँ, इसलिए नहीं दी टिकट। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विकास पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हर पार्टी की अलग अलग गाइडलाइन है, वो किस गाइडलाइन पर चल रहे हैं वो उनके प्रत्याशी बताएंगे। मेरी गाइडलाइन विकास है, मैं विकास करने के लिए पिछली बार भी चुनाव में मैदान में रहा, इस बार भी। आपने टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए,
मैं पूर्व में एनआरसी के टाइम पे पार्टी छोड़ चुका था और आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले दौर में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान हम लोगों को विधानसभा के चुनाव के दौरान लिया गया था और सिर्फ मैं राहुल सिंह जी के सहयोग के लिए था। उस समय से मैंने ना पार्टी में कोई पद लिया है और एक दोस्त पार्टी में कोई एक्टिव पार्ट आपका नहीं रहा है। हमारे साथ टीम सिद्धार्थ मलैया से पप्पू सावे जी हैं, पप्पू सावे जी की पत्नी महजमीन चुनाव लड़ रही हैं। काफ़ी लंबा विकास कराया है ऐसा इकबाल का कहना है, सामुदायिक भवन भी बना दिया गया है, यहाँ पर पानी की समस्या को भी समाप्त कर दिया गया है, जिन लोगों के नजूल में नाम नहीं जुड़े थे उनके नाम भी नजूल में इकबाल जी ने जुड़ा दिए, क्या है सच्चाई? बहुत हद तक सच्चाई है, ऐसा नहीं है इन्होंने काम किए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इनसे पहले 2009 से 2014 तक मैं, मेरी पत्नी महजबी सावर पप्पू पार्षद थी इसी वार्ड में, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ इस जगह पर, यहाँ से लेकर हर सिद्धि माता मंदिर तक सीमेंट रोड आपके सामने, पानी की जो बोल रहे हैं समस्या इकबाल भाई ने हल की, हो सकता है चुनावी माहौल है लेकिन वो पानी की समस्या ऑन रिकॉर्ड पप्पू सावर एक है जिसने गजानन टंकी पे ओवरहेड टंकी बनाई। वार्डों में आज जो भी लाइन है हमारे मतदाताओं से जो भी है आप पूछ सकते हैं, पानी की जो समस्या है उसका हल करने का सबसे बड़ा हाथ मेरा रहा है। आपने विकास किया है, पप्पू सावरी जी भी इस बात को मानते हैं, पप्पू सावरी जी ने विकास किया, आप मानते हैं क्या इस बात को? देखिए क्या है, जो भी पार्षद रहे समय समय पर सब लोगों ने अच्छे कार्य किए, किसी के कार्य को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इस वार्ड में जो भी पार्षद रहे हैं उन्होंने समय समय पर अच्छा काम किया है, ये इकबाल जी का भी कहना है, पप्पू सावरी जी का कहना है। पप्पू जी एक और बात पूछना चाहेंगे, कांग्रेस छोड़कर कैसा लग रहा है? अब स्वतंत्र है, अच्छा लग रहा है। कांग्रेस छोड़ने का कारण टिकट ना मिलना नहीं, कांग्रेस छोड़ने का कारण आदरणीय कमलनाथ जी ने ऑन पेपर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसी व्यक्ति को पार्षद की टिकट मिलना चाहिए, परंतु दमोह जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा जी ने अपने स्वयं के भाई को भजरिया वार्ड क्रमांक 6 से टिकट दी और उन्हीं आदरणीय मनु मिश्रा की बहन आज सम्मानी मुरसलीम कुरैशी जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रगति मिश्रा चुनाव मैदान में, इनकी रीति नीति और इनका कहना जो है वो जो लोग कहते हैं वो जमीन पे, कांग्रेस की रीति नीति आपके अनुसार नहीं, आपको लगता है कि वो विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। अब आप टीम सिद्धार्थ मलैया में, टीम सिद्धार्थ मलैया की विचारधारा क्या है? हम लोग एक स्वच्छ दमो, पानी की समस्या, अपराध मुक्त दमो, नगर पालिका में जो लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, उनके लिए हम लड़ेंगे। टीम सिद्धार्थ से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव मैदान में, मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा कि एक समान विचारधाराओं के बहुत से अच्छे लोग जो एक साथ हैं संगठन। टीम सिद्धार्थ मलैया से जुड़ने के पीछे कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि टीम सिद्धार्थ मलैया से टिकट मिले, ऐसा पप्पू सावर का कहना है। उनका कहना है कि समान विचारधारा के व्यक्ति एक साथ संगठित हुए हैं, आपकी विचारधारा और टीम सिद्धार्थ मलैया की विचारधारा एक है। और पप्पू सावे जी ने एक बहुत बड़ा आरोप भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर लगाया है, उनका कहना है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपने भाई को बजरिया 6 से टिकट दी है और उन्हीं की बहन बजरिया 7 से टीम सिद्धार्थ मलैया से लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में भी असंतुष्ट नज़र आया है, ऐसा कांग्रेस के खिलाफ लोगों का बोलना है। अब हम कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान से बात करेंगे, आप प्रदेश पदाधिकारी भी रहे हैं, सबसे पहले विकास की बातें हम थोड़ी देर में करेंगे, जो आरोप लगाया गया है आपके अध्यक्ष के ऊपर कि इन्होंने टिकट बांटने में अनदेखी की है और एक ही परिवार के लोगों को टिकट दे दी है, आप क्या मानते हैं? मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। अब रहा सवाल कि कहाँ से क्या है, तो एक निर्देश आया था, उस निर्देश में ये कहा था ना दिया जाए, लेकिन अगर वहाँ प्रत्याशी अपना नहीं है और कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने पास है और वो वहीं से लगे हुए परिवार है, वो उनका बजरिया 5, 6, 4 अनु मिश्रा जी का परिवार है, उन्होंने अपने परिवार से अपने परिवार को टिकट दी, तो ये परिवारवाद की जो बातें कांग्रेस में चलती हैं आप मानते हैं कि वो सही है? नहीं नहीं, नितिन मिश्रा जी का जो काम है वो आपसे छुपा नहीं है, नितिन मिश्रा जी लगातार सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनका शहर में आज अगर
दावेदार भी रहे नगर पालिका अध्यक्ष के। जब नगर पालिका अध्यक्ष का दावेदार होता है तो वो 39 वार्डों में कहीं ना कहीं उसकी जगह होती है, जब वो जगह होती किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। मान लेते हैं कि टिकट बंटवारे में किसी प्रकार की अनदेखी नहीं हुई है, अब ये बता दीजिए कि इस वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या आपको लगी कि आपको लगा कि चुनाव लड़के उस समस्या को पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऐसी जैसे नाली की समस्या है, यहाँ एक पुलिया यहाँ पे है, एक पुलिया वहाँ पे है, जहाँ लगातार 7-5 साल हो गए जहाँ पानी सफाई नहीं होती। दूसरी चीज़, यहाँ कुटीर की बहुत बड़ी समस्या है। कुटीर एक ऐसी चीज़ है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ नहीं मिल पाया। उसका मैंने 10 साल लगातार वार्ड में मैं सक्रिय, चुनाव मुझे लड़ना था, मैंने पिछली बार भी लड़ा और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 10 साल वार्ड में सक्रिय रहा। लोगों के पेंशन के काम, लोगों के शादी के काम, लोगों के कुटीर के काम मैंने निष्पक्ष पूर्व शासन से मदद लेते हुए सबके कार्य कराए हैं। आज जो जनता हमें चाह रही है तो उसी वजह से चाह रही है कि हमने विकास किया। चुनाव तो सबको लड़ना है लेकिन 10 साल बाद में कोई नहीं देखा। इकबाल जी का कहना है कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, आप क्या मानते? क्या विकास की गंगा बहाई होती तो पार्टी उन्हें टिकट भी दे देती, और वो टिकट से अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी कहीं ना कहीं वहाँ विकास भी आड़े आया है। और रहा सवाल विकास का तो आप देख सकते हैं यही रोड कितनी। इकबाल जी को टिकट ना मिलने का कारण कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि विकास आड़े आया है, विकास उन्होंने नहीं किया, इस कारण से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी हो। अब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सद्दाम खान। आफरीन जी चुनाव लड़ रही हैं, कहाँ हैं आफरीन जी? आफरीन जी बाढ़ में भ्रमण में है, लगातार लोगों से जनसंपर्क में बनी हुई है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में पहले इकबाल जी थे, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य आपको लगता है जो बाढ़ में नहीं हुए हैं, अगर आप जीतते हैं तो वो करेंगे? बाढ़ में बहुत से कार्य हैं, जैसे नाली हैं, पुलियाँ वगैरह हैं, लोगों के और भी काम हैं, PMI वालों के और भी काम बहुत रुके हुए, वो मैं करना चाहता हूँ आगे, और शासन की योजनाएँ हैं मैं उनको दिलाना चाहता हूँ निष्पक्ष तरीके से। सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतते हैं जी तो पहली समस्या कौन सी है बाढ़ की जो आप हल करना चाहेंगे? पहली समस्या हमारे यहाँ नालियों की साफ़ सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, पुलियाँ नहीं बन रही हैं, और PMAY की कुछ गरीब लोगों के कार्य हैं जो रुके हुए, मैं कराऊँगा। आपकी पार्टी के और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। अगर सद्दाम जी की वाइफ आफरीन जी चुनाव जीतती हैं जी, तो कितने घंटे काम करेंगे? ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपके वार्ड के लोग भी देखेंगे, और अगर आप चुनाव जीतते हैं ठीक है, और अगर आप उतने घंटे काम नहीं करेंगे तो हम एसीएन न्यूज़ पर दिखाएंगे भी। ठीक है, हम 3-4 घंटे रोज काम करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसको अपन सुलझाने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, सुलझाने का काम करेंगे। आफरीन जी के सद्दाम खान का कहना है कि अगर वो वार्ड के पार्षद बनते हैं तो 2-3 घंटे पर डे वार्ड में वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। बजरिया वार्ड नंबर 2 के जितने भी मतदाता हैं इस बात को सुन लें, अगर आप इन्हें वोट देते हैं तो 2-3 घंटे ये काम करेंगे। अगर 2-3 घंटे काम नहीं करते हैं तो आप हमारा नंबर ACN न्यूज़ का ले लीजिए, आज की ये वाइट और उस दिन की वाइट, जिस दिन ये काम नहीं करेंगे हम ACN न्यूज़ पर चलाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो कितने घंटे काम वार्ड के लिए पर डे करेंगे? मैं एक ऑफिस की व्यवस्था करूंगा, जैसे जन सुविधा केंद्र का नाम दिया जाएगा, वहाँ आपको 8-10 घंटे ऑफिस खुला रहेगा, क्योंकि घर पे लोग जाते हैं नहीं मिलते हैं, हम लोगों के भी निजी काम है यहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ एक व्यवस्थित व्यवस्था करूँगा, वहाँ एक व्यक्ति रखूँगा, जो भी शासन की समस्याएं आएंगी उस समस्या को निराकरण करूँगा। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी इस बाढ़ की समस्याओं को दूर करेंगे। बाढ़ के जितने भी मतदाता हैं इस बात को ध्यान रख लें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने यह वादा किया कि जन सुविधा केंद्र बनेगा, और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही आप समूचे बाढ़ की समस्याओं का निराकरण करेंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतदाता को नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इकबाल कितनी देर काम करेंगे? भाई मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ, मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, जब भी किसी का फ़ोन आता है उसके फ़ोन पे, अगर वो आधी रात को भी करेगा तो उसकी व्यवस्थाएं वहीं की जाती हैं। दूसरा इकबाल जी का कहना है कि वह फ़ोन पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप फ़ोन 24 घंटे इकबाल जी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और इकबाल जी उस समस्या का समाधान करेंगे। आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरी कांग्रेस इस समय नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। मुझे तो कांग्रेस के प्रत्याशियों से ये लग रहा है पिछले 2-3 साल से कि ये अघोषित तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस अघोषित तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रही है, क्या है सच्चाई? हम बात करते हैं, हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी आ गई है, क्या नाम है आपका? रिजवाना बेगम जी। रिजवाना जी, क्या है चुनाव चिन्ह आपका? मेरा फोर व्हीलर जी। आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ACN न्यूज़ से जुड़ी, आपने हिम्मत की कि ACN न्यूज़ को आप सामना कर सकें और आप हमारे बीच में आएँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। क्या
समस्याएं आपको वार्ड में ऐसी लगती हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? हमारे वार्ड में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि नालियाँ हो गई, रोड हो गई हैं, और भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हम चाहते हैं। और अभी तक जो भी आप जनता के लिए मतलब काम करना चाहेंगे और जो भी जैसा होगा उसका हम प्रयास करेंगे। आप उसका प्रयास, क्या है चुनाव चिन्ह आपका? जीप। जीप चुनाव चिन्ह है। आप ये बताइए कि आप इतने समय से इस वार्ड में रही हैं, आपको एक मुख्य समस्या इस वार्ड की क्या लगती है कि इस वार्ड को अगर चारों तरफ से देखें, आप भ्रमण भी कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, तो आपको एक मुख्य समस्या क्या लग रही है इस वार्ड की, जो मुख्य समस्या काफ़ी लंबे समय से सॉल्व नहीं हो पाई है? मुख्य समस्या सबसे पहले तो ये है कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं रहती। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में जो है वो नालियाँ भी सही नहीं है, और जो रोड वगैरह भी हैं वो भी नहीं है ठीक। उनको सबसे पहले सुधार करना। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या योजना है आपकी? महिलाओं के लिए योजनाएं यही है कि हम जैसा भी जो मतलब होगा पैसा हम करेंगे। महिलाओं के लिए जो बन सकेगा वो रिजवाना जी करेंगे। बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि बाढ़ की जो मुख्य समस्याएं रहती हैं वो नाली की रहती हैं, सफाई की रहती हैं, बिजली की रहती है, और उनकी प्राथमिकता भी ये है कि हम इन्हीं समस्याओं को दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सत्यम जी से हम बात करेंगे। सत्यम जी, बार बार जिन भी वार्डों में हम बात करते हैं सफाई को लेकर बहुत बात होती है, सफाई का, जबकि स्वच्छता अभियान जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, आपकी पार्टी का चल रहा है, आपको लगता है कि कहीं स्वच्छता अभियान में कोई कमी रह जाती है कि ये गंदगी फैली हुई है चारों तरफ? कमी तो रह जाती है, क्योंकि जो नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं सही तरीके से काम नहीं करते, आते हैं खड़े रहते काम। आपको नहीं लगता कि अगर कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि उन कर्मचारियों से सही तरीके से काम कराया जाए? तरीके से काम कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। आप किस प्रकार से काम कराएंगे अगर नगरपालिका में जीतते हैं तो? नगरपालिका में अगर जीतते तो हम खुद खड़े होकर खुद साथ में काम कराएंगे, खड़े होकर। ये जो 2 से 3 घंटे का आपने वादा किया वो यही 2 से 3 घंटे हैं जिस समय ये देंगे? और हमारे वार्ड में 2 भाग हैं, वहाँ हम स्थायी कार्यालय बना के लोगों को नियुक्त करके जो हमारे लड़के रहेंगे वो घर घर जाके काम करेंगे, किसी को नगर पालिका जाना नहीं पड़ेगा, घर घर जाके काम करेंगे। बजरिया वार्ड के अगर कुछ दर्शक भी हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं, और अगर आपकी कोई समस्या है इस समय तो आप इसी न्यूज़ पर अपनी बात कर सकते हैं। हम टीम सिद्धार्थ मलैया से बात करेंगे। क्या योजना है, कितने घंटे काम करेंगे आप वार्ड में प्रतिदिन? मेरे काम करने का तरीका और घंटे इस वार्ड के हर मतदाता को पता है, मैं कितने घंटे काम करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। इसका जवाब मतदान के दिन वार्ड की मतदाता देगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ये कबूला कि वार्ड में साफ सफाई इनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी मेरी बात को स्पष्ट किया आपके माध्यम से कि चीज़ें गलत हुई, ये आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड। टीम सिद्धार्थ मलैया भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहती है, आप मानते हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार था? कैसे दूर करेंगे आप? अब हम लोग बताएंगे एक टीम वर्क कैसे कम करेंगे। हमें मालूम है लोगों ने कुटीरों में, अब ये योजना जिनकी है वो कह नहीं पा रहे, अन्य दल के लोग कह रहे हैं हमने कुटीर में ये किया वो किया। जो योजनाएं जिस दल की हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से हम बात करेंगे। टिकट वितरण में देरी हुई, मैंने पहले भी पूछा था रविवार को जब हमने डिबेट की तब भी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी से हमने पूछा था कि टिकट वितरण में देरी हुई है और अभी तक आपका घोषणा पत्र भी नहीं आया है। उन्होंने कहा जल्द आने वाला है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी कॉपी नकल ली जाए। अब सभी दलों के घोषणा पत्र आ गए हैं, अब किस बात का डर है घोषणा पत्र जारी करने में? ये क्या होता है कि हमेशा नकल की जाती है कहीं ना कहीं। मैंने भी अपनी बाढ़ का भी घोषणा पत्र नहीं निकाला है, इसलिए नहीं निकाला कि बाढ़ की जनता जानती है कि रफीक भाई 10 साल से लगातार इस बाढ़ में सक्रिय हैं। दूसरी चीज़, मैं आप बात का जवाब देना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो चाहे किसी भी सरकार, कांग्रेस का घोषणा पत्र कब जारी होगा? एक मिनट मैं जवाब दे दूं फिर। सरकारी योजना जो भी होती है वो जनहित के लिए होती है। 70 साल से कांग्रेस रही, उनके भी लोगों ने फायदे उठाए तो ये भी फायदा जनता। मैं ये कह रहा था कि इसमें सही लोगों को जो ना लाभ नहीं मिल पाया वो मैंने दिलाया। दूसरी चीज़, अब मैं आपको बता दूं कि आपने कहा घोषणा पत्र जल्दी ही हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में है वो करेंगे। दूसरी चीज़, मैंने परिवारवाद नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो उस लायक था वो 39 वार्ड के मालिक है क्योंकि वो टिकट मांग रहे हैं। अगर जब नगर पालिका की टिकट आदमी मांगता है तो वो कहीं से भी लड़ सकता है क्योंकि वो लोकप्रिय होता है, इसलिए उन्होंने दिया उनका फैसला। जो योग्य व्यक्ति था आपके संगठन ने उसको, आपका ये कहना है कि योग्य व्यक्ति को ही चुना है, और इस योग्यता के आधार पर कितनी सीट आ जाएंगी कांग्रेस की? कम से कम आज के परिदेश को देखते हुए जो पिछली नगर पालिका रही है, मेरा मानना है कि 25 से 30 सीटें कांग्रेस की ही आएंगी।
25 से 30 सीटें कांग्रेस की आएंगी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इकबाल जी पूर्व पार्षद हैं जी, इनसे हमने जब बात की, हमने पप्पू साबिर से बात की, वो टीम सिद्धार्थ मलैया से हैं, इकबाल जी ने जो विकास के काम किए हैं पप्पू साबिर जी ने उसकी तारीफ की है, पप्पू साबिर जी ने जो विकास के काम किए हैं इकबाल जी ने उसकी तारीफ की है, कहीं ये आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो आपके चैनल से खुलासा हो गया है कि क्या है, और जब पार्षद रहते तो आपकी जवाबदारियाँ हैं काम कराने की, दूसरा नहीं करेगा। जैसे मैंने विधायक निधि से भी जो वहाँ रोड है जो नहीं बना पाए थे वो हमने काम किया, और जो भी विधायक निधि से या विधायक के द्वारा यहाँ सुविधा दिलाई जाती है जनता जानती है, जहाँ सुख दुख में खड़ा होना, पैसे दिलाना, मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूँ कि चुनाव सबको लड़ना है, लेकिन चुनाव के समय सब दिख रहे हैं, चुनाव के समय दिख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की ये विशेषता है, लोकतंत्र का यही उद्देश्य है कि अगर आपने कोई विकास का काम किया है तो उसकी तारीफ उसके प्रतिद्वंदी को भी करना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी करना चाहिए। ये नामुमकिन है कि कोई व्यक्ति 5 साल अगर बाढ़ का पार्षद रहा हो उसने उस बाढ़ में एक भी काम ना किया हो। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि बाढ़ में कोई काम नहीं हुआ है, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर किसी ने कोई व्यक्ति ने अगर बाढ़ में अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, भले आप उसके प्रतिद्वंदी हैं, भले आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विकास के काम आपके वार्ड के लिए उस पार्षद ने की है तो उसकी तारीफ बनती है। इकबाल भाई ने अगर पप्पू साबिर की तारीफ की है तो एक अच्छे नेता की पहचान है, और पप्पू साबिर ने अगर इकबाल जी की तारीफ की है तो एक अच्छे नेता कि ये पहचान होती है, और ये सभी लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ भी हुआ हो उसकी तारीफ करिए अगर अच्छा हुआ है। जहां कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 10 साल लगातार उन्होंने कुटीर से लेकर पेंशन योजना से लेकर सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ अगर इस बाढ़ को दिलाया है तो उनकी भी तारीफ बनती है, क्योंकि अगर उन्होंने काम किया है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उन्हें मिलेगा। अब हम बात करते हैं दर्शकों से, आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगाए हुए, आप दर्शक हम आपको नहीं मानते, आप भारतीय जनता पार्टी के ही मानते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके पार्षद जीतने के बाद क्या करेंगे? मेरे पार्षद जीतने के बाद सबसे पहले उनका कार्य जो भ्रष्टाचार हुआ है बाढ़ में उसकी कार्रवाई करेंगे, जो कुटियों में भ्रष्टाचार हुआ है उसको 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो भी कार्य हैं जो पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं उस पर सबसे पहले अमल करेंगे, भ्रष्टाचार पर निगरानी करेंगे, ये तो आपकी योजना है। आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता प्रत्याशी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि इनके द्वारा इनकी दल के द्वारा चलाई गई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा मानना है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो उसकी जांच कैसे होती, ये प्रत्याशी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है। हम एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ रुख करेंगे, आपको लगता है कि आपके वार्ड में भ्रष्टाचार हुआ है? जी हमेशा ही होता है, और इसका हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दमोह जानता है यहाँ, मतलब कि जो नेता राजनेता रहते हैं जिनकी पहुँच रहती है, जिनकी मतलब एक वो रहता है, उन्हीं के बस काम होते हैं, और जो आम जनता है जैसे कि ये हम ही हैं, एक हम आम नागरिक में आते हैं, आम लोग के काम नहीं है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिनकी पहुँच होती है, जो नेताओं के नज़दीक रहते हैं, जो पावरफुल होते हैं उनके काम होते हैं, उन लोगों के काम नहीं होते हैं जो आम जनता को बिलोंग करते हैं। एक आम जनता में से एक आवाज़ आई है कि नेताओं के चहेते व्यक्तियों के काम होते हैं। अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं, एक एक लाइन में हम पूछेंगे सभी प्रत्याशियों से, समय सीमा हमारे पास निश्चित है। सबसे पहले एक सवाल, क्या सिर्फ नेताओं के काम होते हैं? नहीं, जो खड़ी हैं उनसे पूछो, उनका भी काम मैंने ही किया है। जो व्यक्ति खड़े हैं उनका कहना है, कांग्रेस प्रत्याशी का, उनका काम भी उन्होंने किया। चलिए अंतिम लाइन में हम आपसे पूछ लेते हैं जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने जो कहा कि आम जनता की सुनवाई नहीं होती, इसमें आप टारगेट सीधा कांग्रेस को नहीं कर सकते या सीधा बीजेपी को नहीं कर सकते, और इस बात का सभी दलों की हम बात कर रहे हैं कि जो भी सभी दल रहते हैं वो नेताओं, और मतलब कि पूरा देश ये जानता है कि भारत में क्या चल रहा है, सिर्फ जिनकी रिश्तेदारी होती है। बिल्कुल, आपके कहने से हम इत्तेफाक रखते हैं कि जो ज़्यादा पावर में रहता है उसके पहले काम हो जाते हैं। हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, कांग्रेस प्रत्याशी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 6264-1992-41। जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले जीतने के पहले जो कुटीर की समस्या है, किस्तें नहीं आई हैं, कि वो बहुत बड़ी समस्या है, बारिश में लोग बरसात ही लगा के रह रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना है कि उनकी कुटीर नहीं आई है, कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है। आप ACN न्यूज़ के माध्यम से इनकी बात को सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड रहेगा कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, आप इन्हें अपना प्रत्याशी के रूप में इनको चुनाव जिता दें तो इनका पहला काम होगा ये कुटीर निकलवाएंगे। अगर कुटीर निकलवाने में रफीक खान पीछे हटते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, रफीक खान की ये बाइट रफीक खान को ही ACN न्यूज़ के माध्यम से हम सुनाएंगे। इकबाल जी मोबाइल नंबर 95-890-49-756। पहला काम जीतने के बाद क्या करेंगे?
देखिए जो जनता जनहित में प्राथमिकता के साथ काम है। आपने क्या सोच के रखा है पहला काम? हमारा पहला काम यह है कि हमारे यहाँ कुछ एक पाइपलाइन पड़ी हुई है जो जन सुविधा के लिए है, वो पाइपलाइन कराना है। दूसरी चीज क्या है? किस क्षेत्र में? पहाड़ी किनारे। पहाड़ी किनारे जो पाइपलाइन है, अगर इकबाल जी इस बार चुनाव जीतते हैं तो पहला काम पहाड़ी के किनारे की जो पाइपलाइन है उसको पूरा करेंगे। अगर इकबाल जी ये काम पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर आप एक बार हमसे संपर्क करिए। पप्पू सावे जी मोबाइल नंबर 62650113। क्या काम करेंगे पहला? मैं वो सारे काम करूंगा जो जनहित से जुड़े हैं। जहां से मैं सारे काम नहीं कर पाएंगे आप जीतने के बाद, एक काम बता दीजिए। अगर मैं अपने द्वारा कराए जाने वाले कार फेरिस्त वाई लिस्ट वाई आपको बता, चलिए 2212 मतदाताओं से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही अगर आप टीम सिद्धार्थ मलैया को जिताते हैं और टीम सिद्धार्थ मलैया से पप्पू साविर खान की पत्नी जीतती है तो सारे काम लेकर आप टीम सिद्धार्थ मलैया के पास आइए। अगर ये सारे काम करने में असमर्थ रहते हैं तो हमसे संपर्क करिए, हम उनकी ये वाइट आपको भी दिखाएंगे और सामने भी लेकर आएंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोबाइल नंबर 9589-9593। एक पहला काम जीतने के बाद पहला काम हमारे ये रहेगा जो साफ सफाई रुकी हुई है, साफ सफाई पर पहला ध्यान रखा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पहले ही दिन से नालियों की सफाई शुरू हो जाएगी। अगर नाली की सफाई शुरू नहीं होती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि की ये वाइट हम आप तक पहुंचा देंगे, आपसे भी हम बात करेंगे उस समय। पहला काम आपको क्या लगता है कि जीप आपकी सबसे आगे निकल जाएगी? जी बिल्कुल लगता है। क्या उद्देश्य है आपका? एक सबसे पहले हमारी जीत का जो उद्देश्य है वो रहेगा, सबसे पहले हम अपने वार्ड में कैमरास लगवाने चाहेंगे। वार्ड में सबसे पहले कैमरा लगवाएंगे, चूंकि ये महिला प्रत्याशी हैं इसलिए इनका मोबाइल नंबर हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर हम सार्वजनिक कर देंगे। एसीएन न्यूज़ इस समय बजरिया वार्ड नंबर 2 में है। मैं आपको बता दूं कि तपती धूप में पसीने आप हमारे चेहरे पे देख रहे होंगे, ये जो पसीना आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम धूप में इसलिए खड़े हुए हैं कि देखना है कि ये प्रत्याशी वार्ड के विकास के लिए कितना पसीना बहाएंगे। हमारे बीच में कुछ जनता के लोग भी हैं। बजरिया 2 से हैं क्या आप? जी बताइए क्या समस्या बजरिया 2 की? बजरिया 2 में साफ सफाई की भी समस्या हो रही है, नालियाँ चौक रहती हैं, जाम रहती है। प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखेंगे आप? प्रत्याशी से यही उम्मीद रखेंगे कि नालियाँ साफ हों, पानी की व्यवस्था अच्छी हो और जो कुटीरों की किस्तें नहीं आई हैं वो जारी हो जाए। इस बाढ़ की जो मुख्य समस्या समझ में आई है वो है कुटीरों की किस्त नहीं आ पाई है। आप बात करेंगे बजरिया 2 से हैं? आप बजरिया 2 से हैं? बजरिया 2 से हाँ, बताइए क्या समस्या है बजरिया 2 की? पानी की सबसे बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है और जो काम है नहीं होते, पुलिया टूटी है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। हमारा यही अनुरोध है जो भी प्रत्याशी है, जैसे रफी खान जी हैं, इन्होंने 10 साल से काम करते आ रहे हैं वार्ड में, हमारी कुटी भी इन्होंने ही निकलवाई और बाकी सब कुटी इन्होंने निकलवाई हैं। इन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो, एक बार गए उन्होंने काम करके दिया है। कितने घंटे प्रचार कर रहे हैं आप रफीक खान का? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, वो तो मेरे भाई हैं। अच्छा है ना, लेकिन उन्होंने काम मेरा किया है इसलिए मैं बता रहा हूं। अपने आप जो भी पार्षद चुनते हैं, जो भी पार्षद आपका चुना जाएगा, पहला काम क्या चाहेंगे आप उससे? पहला काम ये है कि बाढ़ में साफ सफाई हो, मच्छर गंदगी नाली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पानी की समस्या है, पानी डिब्बे से आज भी उठाना। इस बाढ़ की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है मैं आपको बता दूँ, उससे पहले एक और दर्शक हमारे बीच में जुड़ गए हैं, क्या समस्याएँ आपको लग रही हैं? सबसे पहले यहाँ पर समस्या जो नाली वगैरह है उनकी है, और सबसे और दूसरी चीज़ यहाँ की जो रोडें हैं वे सबसे बेकार हैं। रोड सबसे ज्यादा बेकार है। क्या चाहेंगे आप अपने पार्षद से, क्या उद्देश्य है? हम अपने पार्षद से, अगर कोई पार्षद जीतता है तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ की रोडों को कम्प्लीट करी जाए। एक बहुत अच्छी बात जो इस बाढ़ में देखने को मिल रही है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो भाईचारा बड़ा है उनमें, सब एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थ मलैया की तारीफ कर रही है, सिद्धार्थ मलैया इकबाल की तारीफ कर रहे हैं, फिर इकबाल भाई रफीक खान की तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रत्याशी प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बाढ़ के लिए काम तो किया है। अगर काम नहीं किया होता तो इतनी तारीफ इस कार्यक्रम में जितनी आपको सुनने मिल रही है, अभी तक हम लोगों ने एसीएन टीम ने जहां भी गए इतनी तारीफ हमें सुनने नहीं मिली है। अच्छी बात है, एक अच्छा प्रत्याशी आप चुने। एसीएन न्यूज़ के माध्यम से बजरिया बाढ़ के 2 के दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप अपने मत का प्रयोग करें आप इन्हीं में से किसी को अपना एक पार्षद चुनेंगे, सोच समझ कर चुने जो योग्य लगता है, क्योंकि अभी तक जितनी बात हुई है उसमें सभी व्यक्ति मुझे योग्य लग रहे हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा योग्य है उसे आप अपना मत प्रदान करें, अपने वार्ड के विकास के लिए उसको मत दें। और एक और निवेदन एसीएन न्यूज़ के माध्यम से मैं बजरिया वार्ड नंबर 2 के दर्शकों से करना चाहता हूँ कि जब भी ये प्रत्याशी जीत जाए ये जो भी काम करें उसकी रिकॉर्डिंग करें। आप इनसे अगर फ़ोन पे किसी काम की बोलते हैं तो उस फोन को भी रिकॉर्ड करें आप, जिससे आपको ये तो पता रहेगा कि आपके प्रत्याशी ने जिसको आपने जिताया वो वार्ड के विकास के लिए क्या करना चाहता है।
एसीएन न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।